हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना आपकी रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लौकी यानी घिया का हलवा बनाएंगे, जो कि पौष्टिक होने के साथ साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार होता है। इसकी खास बात ये है कि इसे व्रत में भी बनाया जा सकता है। तो बिना देर किए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 800 ग्राम के लगभग लौकी लिया है, जो कि ताजी और मुलायम है। ऐसी लौकी हलवा के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अब हम इसके छिलके को हटा देंगे। मैंने लौकी को छील करके इसे अच्छे से धो लिया है। अब हम लौकी के 3 या 4 भाग में काट लेंगे। लौकी के टुकड़े इतने बड़े होने चाहिए कि हम इसे आसानी से पकड़ सकें, क्योंकि हमें इसे ग्रेट करना है। अब हम लौकी के एक टुकड़े लेंगे और इसे बीच से काटेंगे। फिर एक टुकड़े में 2 पार्ट कर लेंगे और इसके बीच के व्हाइट पार्ट्स को निकाल देंगे। इसके बीच के व्हाइट पार्ट्स को भी हम फेंकेंगे नहीं। इसका इस्तेमाल हम सब्जी बनाने में कर सकते हैं और दाल में भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ एक ग्रेटर लिया है। अब हम इसके मोटे साइड की तरफ से इसे ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी ग्रेट कर सकते हैं। लौकी बहुत ही जल्दी काली पड़ने लगती है। यहाँ ध्यान ये रखना है कि आप लौकी को थोड़ा फास्ट ग्रेट करें। इससे क्या होगा, लौकी काली नहीं पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लौकी का हलवा बना रहे हैं तो गैस पर कढ़ाई भी रख दें और लौकी ग्रेट करते जाएं और उसी कढ़ाई में डालते जाएं। यहाँ मैंने कढ़ाई को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम ग्रेट की हुई लौकी डालेंगे और इसे 5 से 7 मिनट तक ढककर बराबर चलाते हुए भूनेंगे, या जब तक कि लौकी का पानी पूरी तरह से सूख नहीं जाता है, और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। यहाँ मैंने 1 कटोरी दूध लिया है। साथ में मैंने दूध की मलाई भी ले ली है, जो कि 2 लीटर दूध की है। इसे मैंने अभी अभी फ्रीज से निकाला है। ये काफ़ी ठंडी है। जब तक लौकी भून रही है तब तक मैं इसे दूसरे गैस पर उबलने के लिए रख देती हूँ। सात मिनट हो गया है, लौकी अच्छे से भून गई है। आप देख सकते हैं लौकी में पानी बिल्कुल ही नहीं है। ये थोड़ी थोड़ी तले से भी चिपकने लगी है। इस स्टेज पर हम उबला हुआ दूध ऐड करेंगे। ठंडा दूध हमें इसमें बिल्कुल ही नहीं ऐड करना है, वरना दूध फट भी सकता है, तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। इस कटोरी से मैंने दूध डाला है, उसी कटोरी से 2 कटोरी कद्दूकस करने के बाद हमारी लौकी थी। यानी 2 कटोरी लौकी है तो 1 कटोरी आप दूध इसमें डाल सकते हैं। साथ में दूध की मलाई भी आप जरूर लें, क्योंकि इससे हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे बराबर चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब आप 1 लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं तो उससे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ही हौसला मिल जाता है। इसे चलाते हुए लगभग मुझे 5 मिनट हो गया है। दूध लगभग काफ़ी सूख चुका है। इस स्टेज पर हम 1 चुटकी के लगभग ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे। अगर आप इसे नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और बराबर चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं पूरा दूध सूख गया है और ये दिखने में कितना सुंदर दिख रहा है। अब हम इसके बीच में थोड़ा जगह बना देंगे और 1 बड़ा चम्मच के करीब देसी घी डालेंगे। यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाला है, जिसमें काजू, बादाम और किशमिश है। आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और इसकी क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ सेकेंड इसे चलाते हुए फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे पहले भी फ्राई कर सकते हैं। इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स हलवा में डालने से हलवा का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। हम इसे मिक्स करेंगे और बराबर चलाते रहेंगे, जब तक कि हलवा पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाता है।
अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। इससे पहले हमें इसे अच्छे से पका लेना है। देख सकते हैं ड्राई सा दिख रहा है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 5 टेबल स्पून के करीब चीनी लिया है। आप अपने स्वाद के हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालते ही लौकी ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी सूखने तक पकाएंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं जैसे जैसे ये पक रहा है इसमें एक चमक सी आ रही है। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब इलायची पाउडर ऐड करेंगे। हलवा पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसने पैन को चारों तरफ से छोड़ दिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे एक सर्विंग बोल में निकालेंगे और सर्व करेंगे। ये दिखने में जितना सुंदर दिख रहा है खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है। इसे आप ठंडा और गर्म दोनों तरीके से सर्व कर सकते हैं। इसे गुलाब की पंखुड़ियों, चांदी के वर्क या कटे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपका हलवा कैसा बना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।